वजह से। तो बस हमें डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आप पट्टी कर दीजिए, शायद कल तक ठीक हो जाए। तो हमने उसे पट्टी कर दी, शायद वो कल तक ठीक हो जाएगी। आगे कुछ सीक्वेंस देखने मिलेगा हमें कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न क्या बारे में वो अगर मैं अभी सब। आपको बता दूंगा तो फिर शो का क्या फ़ायदा, फिर हम यहीं पे शो बना देते। ओके सर, अभी गणपति आ रहे सर, तो आपने क्या क्या तैयारी की नहीं, मैं है बिल्कुल गणपति रिलीजियस नहीं हूँ, को? ना राज है ना साहिल है, दोनों रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है। हम गणपति में नहीं मानते, राम जी में नहीं मानते, हनुमान जी नहीं मानते, अल्लाह में नहीं मानते, जीसस में नहीं मानते, किसी में नहीं मानते। ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। ओके रोल एंड काउंट। आपने देखा पता नहीं तो रेशन है आवाज नहीं आ रही। हां भाई ठीक है, यस मैं उसका भी ठीक हो रहा है। मैं शुरू हो चुकी हूं लेकिन मेहंदी के में कुछ मुझे ना मुश्किलें आ रही हैं शादी में। दरअसल मेहंदी बहुत शौक से अच्छे से लगाई लेकिन जैसे मैंने मेहंदी मतलब हटाई सूखने के बाद तो मुझे पूरे रैशेज आ गए इसे रेड कलर के। ये भी नकली वाली मेहंदी है, अच्छी वाली लगेगी। पूरे रैशेज आ गए, बहुत इचिंग हो रही है और कुछ तो मेहंदी में कुछ तो था भी। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे अपने हाथ में बैंडेज बांध के रखना पड़ेगा 2 दिन तक। पता नहीं शादी तक ये ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। तो क्या रिएक्शन हो गया कुछ, क्या किसी ने या किसी की कुछ साजिश रंग लाई है ये? पता नहीं, माँ ने जो मेहंदी भेजी थी शगुन की तो वो स्नोपी ने गिरा दी। तो अभी मार्केट से नई मेहंदी लेके आए हैं दादी रागिनी भाभी सारे लोग मिलके। तो शायद उस मेहंदी में कुछ था, अब ये नहीं पता कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या फिर फिलहाल अभी ये हो गया। तो मेरे हाथ बंधे रहेंगे, मतलब दुल्हन के जोड़े में मैं ऐसे मम्मी वाले हाथ लेके घूमूंगी। तो सोनी को कितनी एक्साइटमेंट बाकी रह गई है अब मेहंदी पहले मेहंदी फंक्शन बहुत की? थी, मैं सच्ची बताऊँ मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। मैंने सोचा था अच्छे से मेहंदी लगेगी क्योंकि उस बार भी बहुत अच्छे से मेहंदी लगाई थी, पर अभी फिलहाल ये सब चक्करों में असली वाली मेहंदी लग ही नहीं पा रही है। बस ऐसे कभी स्केच पेन से कभी कुछ ऐसे करके लगा रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, अगर उतनी एक्साइटमेंट होती है तो आज अपने लिए क्या गाना गाती है, क्या गाना गुनगुनाती मेहंदी के लिए? मेहंदी के लिए हाँ, इतनी खुश है और इतनी एक्साइटेड है। बहुत सारे गाने याद ही नहीं आ रहे हैं। ये कोई अच्छा जो आपका फेवरेट हो मेहंदी के ऊपर? मेहंदी आपको बहुत पसंद है ना? मेहंदी लगाना पसंद है, गाने गाने ऐसे मेहंदी वाले सोच के हमने मुझे नहीं पता। एक मोमेंट को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं जो हो रहा है? मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है सच्चे में शादी वाला माहौल है। मतलब मेकअप रूम में भी उधर दी तैयार हो रही है, इधर मैं तैयार हो रही हूँ, उधर माँ तैयार हो रही है, अरे उसका चेंज करो, अरे ये हो गया, अरे बाल देखो, अरे ऐसे सच्ची में लग रहा है शादी वाला घर लग रहा है पूरा। और जहाँ भी देखो सब सजा धजा, सारे लोग सजे धजे, सब अपने कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, कोई अपने बालों की बात कर रहा है, कोई लाइनर की बात कर रहा है, कोई लिपस्टिक की। तो वाकई बड़ा मज़ा आ रहा है। सुहानी को भी ऐसा शक है कि कोई साजिश कर रहा है? फिलहाल सुहानी बहुत खुश है और फालतू की शक ला के अपने को दुखी नहीं करना चाहती है, बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू। मैडम एक बार हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ।